नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक मस्ती और आप देख रहे हैं इंडियन कम्युनिटी। संगीत की शुरुआत तो मेरी बचपन से ही हुई थी। जब मैं स्कूल टाइम में था तो गुरदास मान जी को देख के गाना शुरू किया, क्योंकि हम लोग एक ही गांव के रहने वाले। जब उनको देख के गाना शुरू किया तो लगा कि मुझे इन जैसा बनना है या इन जैसा गाना है। तो जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने जब बताया मेरा नाम अशोक सचदेवा है तो हंसने लगे, कहने लगे जिस तरीके से तुम मस्त हो के गाना गाते हो, नाच के गाते हो, मदहोशी में गाते हो, तो आपके नाम के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके गाने और आपकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता हुआ दिखे। तो मैं समझा नहीं उनकी बात, कहें तुम मस्त सा कुछ नाम होना चाहिए तुम्हारा, मस्ती होना चाहिए। तो मान साहब ने ये मस्ती तखल्लुस मुझे दिया आज से 22 साल पहले। तो तभी से ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले की कृपा है कि लोग आज अशोक मस्ती को इसी नाम से जानते हैं। कि जो अशोक सचदेवा था वो तो लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अशोक मस्ती को सब लोग जानते हैं। हाँ जी, अभी जो जिसकी वजह से आज हम लोग जगह जगह प्रमोशन में जा रहे हैं, जबरिया जोड़ी फिल्म, सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म है, बालाजी फिल्म्स की फिल्म है, जी ने उसको म्यूज़िक सारा दिया है। तो वो मूवी जो है वो 9 अगस्त को रिलीज़ है, ज़रूर जाइए। उसमें मेरा गाना है ठेक क्या ते नित खड़के ग्लासी तेरे नाते, मेरा कंपोज़ किया हुआ गाना है, ओरिजिनल भी मेरा है। 12 साल पहले मैंने इसको रिलीज़ किया था। ये गाना पंजाबियों के और इंडियन कम्युनिटी के, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंडियन कम्युनिटी बैठी है उन्होंने खूब इस गाने पे एंजॉय किया, डांस किया, मस्ती की है। तो दोबारा अब इस पे आपने देखा होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने बड़े दिल से इस गाने को परफॉर्म किया है, अपनाया है और खूब प्रमोट कर रहे हैं। बस आपसे भी दुआ है, गुजारिश है कि आप जाइए 9 अगस्त को फिल्म देखिए जबरिया जोड़ी और हमारे गाने को प्यार दीजिए। ऑलरेडी आपने 27 मिलियन के आसपास आपने व्यूज़ दे दिए हैं। दैट मीन्स कि गाना घर घर पहुंचा है और रोज़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ नए कमेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इस गाने को प्यार मिल रहा है। खड़के ग्लासी वाला अशोक मस्ती मुझे कहने लगे हैं लोग, उसके लिए शुक्रिया। ठेकियां ते नित खड़के हो, ठेकियां ते नित खड़के, खड़के ग्लासी तेरे ना दे, नी मुंडियां च नित खड़के, खड़के गंडासी तेरे ना ते, सारे जान तली ते टकाई फिर दे, नी फोटो तेरी बट्टू हे छपाई फिर दे, नी ना तेरा छोटा करके फिर दे लखाई मुंडे बां ते, ठेकियां च नित खड़के, खड़के ग्लासी तेरे ना ते। एक लेवल तक था लेकिन जबरिया जोड़ी में आने के बाद वर्ल्ड वाइड इसको सुना गया और वर्ल्ड वाइड इसको व्यूज़ मिल रहे हैं और वर्ल्ड वाइड हमें एप्रिसिएशन के फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, ये गाना इस लेवल पे शूट हुआ और इस लेवल पे ये गाना प्रमोट हो रहा है, उसके लिए सब फैंस का, सभी दोस्तों का, दर्शकों का थैंक्स। मुझे 2-3 बार पहले भी इसके लिए ऑफ़र आ चुका था, लेकिन इस बार जो ऑफ़र आया उसमें मुझे लग रहा था कि ये गाना जैसे मैं बनाना चाहता हूँ उसके करीब हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरी जो क्रिएशन को या मेरी क्रिएटिविटी को जी म्यूज़िक ने समझा और मुझे फ्री हैंड दिया कि आप बताइए किससे म्यूज़िक करवाना चाह रहे हैं या किससे आपको लगता है कि किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। तो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को, जब कंपोज़र को स्पेशली फ्री हैंड मिलता है तो गाना अच्छा बनता है। और परिणीति ने और सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा प्रमोट किया, बालाजी ने बहुत अच्छे से इस गाने को प्रमोट किया है। तो सभी टीम के मेंबरों की वजह से ये गाना आज सुपरहिट हो रहा है। और मेरी फर्स्ट रिएक्शन, जो मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं गाना किस तरीके का बनेगा, वो उन्होंने डर दूर करके अच्छा प्रमोट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है अभी गाना।
सोशल मीडिया में जैसे ही गाना आया काफ़ी अच्छे व्यूज एंड ट्रेंडिंग में भी रहा 2 से 3 दिन तक। सवाल ये उठता है कि लोगों से क्या फीडबैक मिला आपको, क्योंकि जब 12 साल पहले जब ये गाना आया था तब इतना डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया नहीं था, तो वो जो रिएक्शन मिलते थे वो काफ़ी देर से मिलते, लेकिन अब के जो डिजिटल का ज़माना है ये फास्ट रिएक्शन का ज़माना है, तो इस रिएक्शन का आपने कैसे लिया, मतलब समझा मतलब? देखिए रिएक्शन बिकॉज लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया वाले पिछले 7-8 साल से तो सुन ही रहे थे, लेकिन एकदम से एक दिन में ही हज़ारों के थम्स अप मिले, हज़ारों लाइक मिले, लाखों व्यूज़ के रूप में इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, और टचवुड अभी तक एक भी कोई कमेंट ऐसा नहीं जिसको पढ़ के ये लगे कि यार अच्छा ये कमी थी इस गाने में। सो इसका मतलब लोगों को गाना अच्छा लग रहा है, लोगों को गाना प्यारा लग रहा है, लोग इस गाने के साथ जुड़ रहे हैं, और एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपका गाना लोगों को पसंद आ रहा है, और फिर वो जब लोगों तक एक्चुअल में पहुंचता है वीडियो के रूप में, जैसे फिल्म जैसे कल रिलीज़ हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद ये गाना और ज़्यादा पॉपुलर होगा, इसके व्यूज़ और इसकी रीच और बढ़ेगी। सर जैसे कि आपने अपनी शुरुआत की जिसकी फेमस ऑलरेडी है, लेकिन जब परिणीति उनका रिएक्शन ये था कि उन्होंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ये बोला कि हम दिल्ली रहते थे, हम नॉर्थ में रहते थे, तो हम कॉलेज टाइम में आए से 12-13 साल पहले, दोनों ने कहा कि हम इस गाने पे खूब नाचे हैं, हमने खूब पार्टियाँ की हैं, हमने खूब चलान कटवाए हैं गाड़ी चलाते चलाते खूब लाउड आवाज़ में, तो वो अच्छा लगा कि ऑलरेडी वो नोन है इस गाने से, वाकिफ़ हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, गाना भी उनको जानता है कि ये इतना डांस करते रहे हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने परफॉर्म किया, और आप हैरान हो जाएंगे कि चंडीगढ़ में जब हमने इस गाने को प्रमोशनल के लिए, जब प्रमोशन के लिए स्टेज पे हम लोग गए तो 25-30 हज़ार का क्राउड था वहाँ यंगस्टर का, तो जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया सिद्धार्थ ने और परिणीति ने मिल के मेरे को स्टेज पर बुलाया, और ऑडियंस का रिएक्शन देखने वाला था, और ऑडियंस को मज़ा आया कि जिसने ओरिजिनली गाना कंपोज किया, जिसने गाया और आज भी उसी ने गाया और बॉलीवुड के स्टार उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक देखने लायक दृश्य था, तो अच्छा लगा उस दिन, महसूस हो गया था कि ये गाना हमारा राइट ट्रैक पे। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी हो रहे थे कि जो मतलब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो यूज आ जाते हैं, एक तड़का बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हो जाता है, जैसे परिणीति हो, ये सेलिब्रिटी हो, ये ए लिस्टेड एक्टर्स माने जाते हैं, तो उनका तड़का लगने में कितना फ़ायदेमंद हो जाता है? ऑफकोर्स अब नॉन पंजाबी लोग भी, जो पैन इंडिया जो ऑडियंस है, तो उसने ये गाना पसंद किया, और जगह जगह से गुजरात से उड़ीसा से मेल्स आ रही हैं, तो दैट मींस के पैन इंडिया पहुंचने के लिए बॉलीवुड का ये तड़का बहुत ज़रूरी था, और जिस खूबसूरती से तड़का लगाया गया, प्रॉपर मिर्च है इसमें, प्रॉपर हल्दी है, प्रॉपर इसमें जिंजर है, हर चीज़ प्रॉपर है एक चीज़ भी कोई ज़्यादा डल जाती तो स्वाद किरकिरा हो जाना था। सो परफेक्ट इस रेसिपी तैयार हुई, और लोगों को ये जो हमारी ग्लासी है इस बॉलीवुड के तड़के के साथ खूब लोगों को नशा दे रही है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं इस गाने से आपको फिर से रिकॉग्निशन मिली है, जो जो एक स्टार को लगता है कि हाँ इसका का जो पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए, तो आप मानते हैं इस गाने से अब मिली आपको, मतलब बहुत सारी मेहनतों के बाद देखिए पॉपुलैरिटी कभी भी आर्टिस्ट के लिए इनफ नहीं होती। हालांकि इस गाने को मैं 12 साल से इंजॉय कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 30 से 35 कंट्रीज़ में शो कर चुका हूँ, मेरे को वन मैन आर्मी के तौर पे जाना जाता है कि अगर आपने अशोक मस्ती को स्टेज के लिए बुक कर लिया तो आपको किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं, 2-3 घंटे वो खुद ही इंटरटेन कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एक वो मिस तो मैं करता ही था कि मेरा बॉलीवुड में गाना नहीं आया, तो इसके आने से एक रिकॉग्नाइजेशन बड़ी मिली है। 12 साल पहले जो यूथ 14 साल का था, आज वो 26 साल का हो गया, और उस वक्त जो 3-4 साल के बच्चे थे, आज वो 15-16 साल के हो गए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं 2 या 3 जनरेशन का सिंगर हूँ, आज के बच्चे भी मुझे गाने इस गाने को पसंद कर रहे हैं, और आज थोड़े जो मच्योर हैं वो भी पसंद कर रहे हैं, और उन दिनों में जो लोग थोड़े मच्योर थे वो भी आज 40s के में होंगे तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप समझें कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि 10 साल या 8 साल के जनरेशन से लेके 40 तक आपको सारे लोग इस गाने को, आपके म्यूज़िक को पसंद करें, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैं लकी हूँ, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिफाई करूँ आने वाले दिनों में और ज़्यादा गाने
अपनी ऑडियंस के लिए बनाऊँ। सर, जैसे कि आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, तो क्या कारण थे आपने बॉलीवुड को इतने सालों से मतलब अछूता रखा, मतलब आप मतलब कुछ तो कारण हो गया, मतलब आप बाहर स्टेज शो कर रहे हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने छुआ नहीं और अब आके छू गए हैं, तो कहीं ना कहीं और आके ही आपने धमाका एंट्री मारा है, तो इसको क्या कहना है? मैं आपको सरप्राइज होंगे आप जान के कि मीके के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मीका भाई है अपना, तो मीके ने मेरे को 3-4 बार कहा 7-8 साल से, भाजी आप मुंबई आ जाओ, हम लोग मिल के काम करेंगे, हमारा अब सर्कल अच्छा है, आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी आवाज़ है। बस मैं शोज़ में बिज़ी होने के कारण लगता था यार एक बढ़िया लाइफ चल रही है, किस लिए अब दिल्ली कौन छोड़े, दिल्ली में अपना घर है, अपना सर्कल है सारा, जैसे आपका एक किस्म का अपने शहर में राजपाट होता है, तो वो छोड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बॉलीवुड ने ही मुझे बुलाया है तो मैं बॉलीवुड के लिए अब आ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि अब बॉलीवुड में खूब सारे गाने गाऊँ ताकि आज तक जो नहीं हो पाया वो अब हो जाए। अब एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, एक रिकग्नाइजेशन भी मिल गई है और एक लोग जानने भी लग गए हैं कि ये सिंगर है जिसने ये गाना गाया। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है एकता कपूर, तो एकता कपूर से आपका क्या रिएक्शन हुआ? क्योंकि एकता कपूर नंबर वन है, चाहे वो टेलीविजन हो या बॉलीवुड हो, हर किसी को नेपोटिज्म को उन्होंने ब्रेक किया है और वो सबको ब्रेक देती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या रहा आपके लिए? गाना ही उनको पसंद था, ये बालाजी की फिल्म का एकता जी को ही तो ये गाना पसंद था, उन्होंने ही कहा कि ये गाना मुझे चाहिए। तो अब मैं हैरान होता हूँ उनके सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जब भी कोई पोस्ट डालनी होती है सबसे पहले एकता डालते हैं फिर बालाजी डालते हैं। सो उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है और वो ऑलवेज़ बींग ए पंजाबी, क्योंकि वो खुद पंजाबी हैं तो उनको लगता है कि पंजाबी म्यूज़िक को मैं और प्रमोट करूँ। मैं जल्दी उनसे मिलने वाला हूँ, जिस दिन भी मीटिंग होगी तो मैं ज़रूर कहूँगा कि तो थैंक्स करना है कि आपने इतना अच्छे से इस गाने को प्रमोट किया, अच्छे आर्टिस्टों पे फिल्माया और अच्छे से इस गाने को लोगों तक आप लेके गए ऑडियंस तक, तो उसको तो थैंक्स करना चाहूँगा आपके माध्यम से और जल्दी उनसे मिल के और भी गाने उनको सुनाएंगे ताकि आने वाली उनकी फिल्मों में और भी गाने आएंगे। तो आप ये कहना चाहिए कि बॉलीवुड को आप छोड़ के नहीं जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ, ये भी दुआ करता हूँ कि ना तो मैं बॉलीवुड को छोड़ूँ ना बॉलीवुड मुझे छोड़े। ओके, जैसे कि आपने कहा है कि मीका सिंह की आपने बात की, तो थोड़ा कुछ बताइए मीका सिंह के साथ कैसे रिश्ते हैं आपके, और बॉलीवुड के हो सिंगर काफ़ी सिंगर है तो उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी अभी आप स्टेज शो कर रहे हैं, तो थोड़े से इन रिश्तों को बताइए कि जैसे कि मीका सिंह जी ने तो बोला है आपको 3 साल से आप जैसे कि आप कह रहे हैं तो ही इज़ ऑल्सो वेरी लेजेंड सिंगर है, तो उन्होंने ऐसा ही नहीं बोला कि आइए आइए, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा है कहीं ना कहीं सिंगरों पर आपका, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मीका सिंह से मेरी दोस्ती आज की नहीं, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, दिल्ली में हम लोग ही होते थे उन दिनों में, बाद में मीका भाई तो मुंबई शिफ्ट हो गए लेकिन हम लोग ही शोज़ करते थे सारे, तो उनके अलावा बाकी जितने भी सिंगर हैं सबसे मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना है, सबसे मेरा बहुत अच्छा प्यार है और हम सब लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। जस्सी के साथ मैंने कुछ गाने बनाए हैं, दलेर पाजी के साथ हमारा बहुत प्यार है, दिलजीत अपना छोटा भाई है, तो ये सारी जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं ये सब हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारा परिवार है, हम मिलजुल के काम करते हैं और हम एक दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं कि ये अच्छा है या और अच्छा कैसे हो सकता है, सो फैमिली की तरह काम करेंगे और सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे। ओके, जैसे कि हर आर्टिस्ट की जो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग रहती है, तो आपकी कोई स्ट्रगलिंग रही है आपके लाइफ में? क्योंकि दिल्ली में मतलब बॉम्बे में तो हर कोई आ जाता है लेकिन दिल्ली में आपका सेटल होना मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब दिल्ली से ही अपना करियर चलाना, तो वो थोड़ा कुछ बताइए कैसी शुरुआत हुई आपकी दिल्ली में? मैं ये मानता हूँ कि अगर आप गाना चाहते हैं और गाने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है, 10 लोगों से मिलना पड़ता है, आप लोगों को वीडियोस के लिए 10 लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तो ये कोई स्ट्रगल नहीं हुई। अगर आप जो काम आप नहीं करना चाहते वो आपको करना पड़े, मैं उसको स्ट्रगल मानता हूँ। तो मैं तो बचपन से सोचता था मुझे सिंगर बनना है, तो सिंगर बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस मेहनत को स्ट्रगल का नाम मैं नहीं देता, क्योंकि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको 25-26 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर वो बाद में कहेगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया डॉक्टर बनने के लिए, तो भैया तुमको किसने कहा था, तुम वो और काम कर लेते हैं। तो स्ट्रगल आप अपने मन का अगर कोई काम करते हैं तो उसको स्ट्रगल नहीं कहते, उसको आप मेहनत कहते हैं, मेहनत करिए और आप अपने मन मर्जी का काम अगर आपको उसमें आपको एप्रिसिएशन आपको उसमें सक्सेस मिलता है
तो उसको स्ट्रगल का नाम नहीं देना चाहिए। मैंने लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं की, हालांकि मैं किसी अमीर फैमिली से नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली भी ऐसे बस दो टाइम की रोटी कमाने जैसे लोग थे हम, लेकिन मैंने गाना था और मैंने गाने के लिए हार्ड वर्क किया, शोज़ किए, पैसा कमाया, नाम कमाया, सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी हम इन म्यूज़िक को समझने की सेंस दी है भगवान ने, फिटनेस के लिए सब कुछ दिया भगवान ने। तो आप बाकी काम तो आपने करना, काम करने के लिए हम आए हैं। सिंगिंग गाने के लिए किसने सपोर्ट किया सबसे पहले, माँ ने सपोर्ट किया या फादर ने? सबसे पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने सपोर्ट किया। माँ तो नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे पंजाब के हालात ठीक नहीं थे उन दिनों में। तो फादर साहब तो पिटाई करते थे ठीक ठाक, ये कौन सा काम, हाँ खूब पिटाई खाई। लेकिन बड़ी सिस्टर ने सपोर्ट किया, आजकल वो कनाडा है। उसके बाद भाई ने भी सपोर्ट किया। फिर तो जब थोड़ा सा एक दो बार अखबार में नाम आ जाता है, सबको लगने लग जाता है कि ठीक ही कर रहा होगा ये। फिर सब लोग फिर एग्री हो गए, उनको कन्विंस हो गए, तो फिर सब लोग सपोर्ट करने लगे। तो कभी लोगों ने कहा कि चलिए सिंगिंग में तो करियर बना दिया है तो अभी एक्टर बन जाए मुंडा, फिट भी है सब कुछ भी है। आपको एक हैरानी वाली बात बताता हूँ कि मैंने जब चंडीगढ़ में मैं गाने के लिए गया था दो चार जगह घूमने गाना गाने, तो पहले मैंने थिएटर किया वहाँ। दो साल मैंने एक्टिंग का कोर्स किया और मैंने बाकायदा तौर पे वो मेरे इच्छा तो मेरी है कि मैं एक्टर बनूं, और इच्छा पूरी भी हो रही है कि अभी एक पंजाबी फिल्म आ रही है मुसाफिर, मुसाफिर पंजाबी फिल्म आ रही है, उस फिल्म में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एक्टिंग डेब्यूट है। तो पंजाबी फिल्म आने वाले दिनों में रिलीज़ होगी, तो उसके बाद हिंदी में भी ट्राई करेंगे। ओके, जैसे आपने प्रोजेक्ट तो बता दिया है, तो अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? अपने फैंस के लिए हम गाना गाएंगे ताकि ये गाने के माध्यम से वो जान जाएं कि वो सिंगर मैं हूँ, वो कंपोज़र मैं हूँ, इसको आप सुनते हैं, कई लोगों ने वीडियो नहीं देखा होता, ताकि आप जाएं और जबरिया जोड़ी को प्यार दें। बालाजी की फिल्म है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति की फिल्म है, जी का म्यूज़िक है, आप इसको खूब प्यार दें, इस फिल्म को हिट करें, तो वो गाना शेयर करते हैं। ठेके आते नित खड़के हो, ठेके आते नित खड़के, खड़के गलासी तेरे ना ते, नी मुंडिया च नित खड़के, खड़के गलासी तेरे ना ते, पलकों पे तेनू ये बिठाई फिर दे, नी पलकों पे तेनू ये बिठाई फिर दे, ते टैटू तेरे नाम दा बनाई फिर दे, तेरे पिछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी वॉल पे लगाई फिर दे, नी मुंडे सारे पिछे घूम दे सोनिए, मुंडे सारे पिछे घूम दे, मर ना जाए लड़ लड़के, ठिकिया ते नित खड़के, खड़के गलासी तेरे नाते।